पाकिस्तान स्कॉलर्स अकेडमी। आज हम लोग आए थे केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर वन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं कि चैप्टर नंबर वन का जो नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फंडामेंटल्स है इसका मतलब जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, बेसिक होता है यानी कि बुनियाद। और यहाँ पे हमने ये जो पहला चैप्टर है नाइन्थ की केमिस्ट्री का, इसमें हमने केमिस्ट्री के जो बेसिक टॉपिक हैं जैसे कि एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, हम उनके बारे में जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि हम एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं। तो आपको अगर केमिस्ट्री के जो बेसिक चीज़ें हैं अगर उनके बारे में समझ आ जाती है तो फिर आपको जो है वो केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी जो है वो लगती है कि बहुत ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही आसान जो है वो सब्जेक्ट है, फिर तैयार करने में भी जो है वो आसानी होती है। लेकिन अगर आप बेसिक जो होती हैं किसी भी चैप्टर की, जैसे केमिस्ट्री की जो बेसिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको उनकी समझ नहीं है तो फिर आपको याद करने में भी जो है वो मुश्किल पेशन आती है। तो हम चैप्टर नंबर वन केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है, हम केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि हम केमिस्ट्री के अंदर किन किन चीज़ों की जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री जो है बेसिकली जो है वो हमारे पास साइंस की एक शाख होती है जिसमें हम चार चीज़ों का मतलब करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और वो चार मैटर की चार चीज़ें होती हैं जिनकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और वो चार चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी हैं, उसमें हमारे पास आती है स्टूडेंट्स कंपोजिशन, उसके बाद हमारे पास आती है ये प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रक्चर, और नंबर फोर पे जो हमारे पास आती है वो आते हैं जी रिएक्शन ऑफ मैटर। तो ये चार चीज़ें होती हैं जिनको हम केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें नंबर वन पे जो है वो हमारे पास कंपोजिशन है, नंबर टू पे हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। अब किसकी कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज किसकी, मैटर की प्रॉपर्टीज, और नंबर तीन पे जो है वो हमारे पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और नंबर फोर पे जो हमारे पास है वो है जी एक मैटर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री की जो है ना वो डेफिनेशन लगती है। अगर यहाँ पे हम केमिस्ट्री के यहाँ पे डिफाइन करें तो ये करेंगे कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या है जी, इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ये जो है ना वो केमिस्ट्री की क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो चार चीज़ें हमने केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़नी हैं तो हम उनको जो है वो पहले देख लेते हैं, या उनको पहले देखने से पहले हम यहाँ पे दो वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। और उसमें जो पहला वर्ड है वो आपके पास यहाँ पे मैटर यूज़ हो रहा है, इसको हम उर्दू में मादा भी कहते हैं। तो मैटर कैसे कहते हैं कि मैटर में हमारे पास स्टूडेंट्स एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, क्योंकि हर वो चीज़ जो कोई मास रखती हो और जगह घेरती हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये मार्कर है, आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में एग्जांपल ले लें, मेरे पास एक मार्कर है, तो ये मार्कर एक मैटर है। ठीक है, क्योंकि ये इसका कुछ ना कुछ मास भी है और ये जगह भी
घेर रही है, तो इसको उसको हम लोग कहते हैं मैटर कहते हैं। और इसी मैटर की कंपोजिशन, इन्हीं मैटर की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और इन मैटर में जो रिएक्शंस होते हैं, हम उन्हीं की स्टडी जो है वो करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है साइंस। तो साइंस हमारे पास हम किसे कहते हैं, साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, साइंस एक लतीनी जुबान का वर्ड है, उसको हम लोग कहते हैं साइंटिया, वहां से निकला है, एक लैटिन वर्ड साइंटिया है, वहां से निकला है साइंस। और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है जी, यानी कि इल्म। और ये इल्म हमें कैसे मिलता है, ये इल्म हमें दो चीजों से मिलेगा, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा जो है वो एक्सपेरिमेंट। यानी कि वो इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिले, उस इल्म को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की क्या है जी, एक ब्रांच होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बात करके होगा कि साइंस हमारे पास क्या है और मैटर जो है वो हमारे पास हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि हमने केमिस्ट्री के अंदर ये चार चीज़ों को जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन जो है ये हमारे पास क्या होती है। कंपोजिशन को वैसे हम कहते हैं बनावट। अब इससे क्या बना था, यानी कि मतलब आप अगर कोई भी चीज लेते हैं और वो चीज जिन जिन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हो, तो वो उसकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है। जैसे आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो एग्जांपल ले सकते हो, चाय की एग्जांपल ले लो। अगर आप देखें तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास चाय जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बनती है, उसमें दूध होता है, उसके अंदर जो है वो चीनी होती है, उसके अंदर पानी होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कहने के पत्ती होती है, फिर जाके जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तब जाके हमारे पास क्या बनती है, चाय बनती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो चाय है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी बनावट क्या है, तो इसमें ये चीज़ें जो है दूध, चीनी, पानी और पत्ती जो है वो आपस में मिल के जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी जो जनरल सी जो है वो एक एग्जाम्पल है। तो वैसे हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ पे एक मैटर ले सकते हैं और वो मैटर हमारे पास क्या है जी, वाटर, H2O। ये पानी का जो है वो केमिकल फार्मूला है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम देखें कि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए जी वाटर की कंपोजिशन क्या है, तो इन रिएक्शन के ये एक आम सा रिएक्शन है जो हर स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमारे पास वाटर जो होता है वो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, तो आपके पास क्या बनता है जी, वाटर बनता है। ठीक है, और अब अगर आप इसमें देखें वाटर के केमिकल फार्मूले में, तो इसमें दो जो है वो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम है। तो ये जो दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम है, ये बेसिकली इस मैटर की कंपोजिशन है जिससे मिलकर पानी जो है वो बना हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिशन, यानी बनावट। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज जो है ये हमारे पास आगे मजीद दो तरह की होती हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिकल अपीयरेंस के रिलेटेड होती हैं, मादे की इनके मादे की जो ज़ाहिरी हालत होती है उसके रिलेटेड होती हैं ये खसूसियात। जैसे मसलन आपके पास कलर, किसी भी मैटर का जो है वो कलर, उसकी स्मेल, खुशबू, उसका जो टेस्ट, जायका, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, फिर आगे बॉइलिंग पॉइंट, शेप, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मादे की जो ज़ाहरी हालत होती है मैटर की उसके रिलेटेड हो, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम एग्जाम्पल के तौर पे वाटर को ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे वाटर की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दे सकते हो कि वाटर का कलर क्या होता है जी, कलर लेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो ये इस वाटर की क्या है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है।
उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनका जो इन्हिसार होता है ये डिपेंड करती है कंपोजिशन के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर किसी मेटल की कंपोजिशन में कोई चेंजिंग आती है तो फिर क्या होता है कि हमारे पास उस मेटल की खसूसियात जो होती हैं उनमें भी चेंजिंग आ जाती है। जैसे देखें अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वाटर को ही ले लेते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास एक गैस होती है, ऑक्सीजन जो है ये भी हमारे पास क्या होती है एक गैस होती है। जब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो इनके केमिकली कंबाइन करने के नतीजे में हमारे पास जो आगे न्यू चीज़ बनती है वो क्या है कि लिक्विड है और उसकी खसूसियात या प्रॉपर्टी जो है वो इन दोनों से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जब कंपोजिशन में चेंजिंग आती है फिर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की उसमें भी क्या आ जाती है चेंजिंग आ जाती होती है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी जो चीज़ हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं मैटर की वो होती है स्ट्रक्चर। साथ के हमें ये जो मैटर हम जिसको भी स्टडी कर रहे हैं उसकी साथ कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल क्योंकि पानी की ले रहे हैं तो पानी की स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो पानी की केमिस्ट्री ये कहती है कि पानी की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होती है, एक सेंटर में ऑक्सीजन एटम होता है और उसके साइडों पे जो है वो क्या होते हैं जी हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये हमारे पास क्या है केमिस्ट्री की स्ट्रक्चर है, सॉरी पानी की जो है वो क्या है स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर जो मैटर्स होती हैं हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद अब अगर बात करें रिएक्शंस ऑफ जो मैटर है इनकी, तो मैटर के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो रिएक्शंस होते हैं कि किस तरह से आपस में रिएक्ट करेंगे, कौन से मैटर जो है वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो आपस में दो मैटर रिएक्ट कर रही हैं तो उनके नतीजे में कौन सी चीज़ बनेगी। ठीक है, तो वो सब कुछ हम लोग जो है वो मैटर केमिस्ट्री के अंदर ही जो है वो हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। जैसे इसकी मिसाल भी हम वाटर वाली ही ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में मिलकर क्या बना देते हैं H2O जो है वो हमारे पास बना देते हैं। तो इन रिएक्शन की स्टडी जो है वो मैटर के अंदर रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आगे हमारा आज की लाइफ की केमिस्ट्री का पहला लेक्चर जिसमें हमने केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन को देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो उसको देखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।